नमस्कार। आज कहानी किचन की में हम बनाएंगे जौ का दलिया। तो ये दलिया है जौ का, ये मार्केट में मिल जाता है। इसे जौ की थूली भी बोलते हैं और घाट की राबड़ी भी बोलते हैं। तो एक तरह से राबड़ी है जौ की, गुली भी बोलते हैं कई लोग। तो ये मार्केट में आपको मिल जाएगी कहीं भी, और कई लोग घर पर भी बनाते हैं जौ में से। तो हमने लिया, ये एक कप ली है, और इसमें हम पहले डालेंगे 2 कप छाछ डालेंगे। छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए, मिक्स कर लेंगे अभी इसे। और जैसे 2 कप हमने छाछ डाली ना, तो हम 4 कप पानी डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से इसे। और अब क्या करेंगे, वैसे क्या करते हैं इसमें पहले छाछ नहीं डालते, पर मैंने गलती से छाछ डाल दिया। पहले पानी डालते हैं, और फिर जो इसके ऊपर जो कचरा टाइप का आ जाता है ना, जो जौ की वो होते हैं ना छिलका, थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उसे हम ऊपर से निकाल लेंगे छलनी से। तो आप पहले पानी डाल के छलनी से इसे निकाल लें, इस टाइप से आराम से निकल जाते हैं ये। और एक बार चला लेती हूँ मैं। कई लोग धो के डालते हैं, तो मोटा दलिया होता होगा, इसे मैं धोंगी तो बस पानी में ही निकल जाता, इसलिए हम धोएंगे नहीं। तो बस ये पूरी तरह निकाल दिया है, काफी निकल गया इसमें से। देखिए आपका मोटा दलिया है थोड़ा, तो आप इसे धो के भी डाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसे गैस पर चढ़ा देंगे, आते रहेंगे क्योंकि छाछ पड़ी है इसमें, अगर चलाएंगे नहीं तो फटने का रहता है ना। जैसे कढ़ी बनाते हैं ना, कढ़ी के लिए बराबर चलाते रहते हैं, ऐसे इसे चलाते रहेंगे। ये जो जौ की दलिया या जौ की राबड़ी होती है ना, ये बहुत ठंडक पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा फायदा करती है, क्योंकि इसमें बहुत फाइबर भी होता है। तो आप एक गिलास भी पी लोगे ना, तो आपका पेट भर जाएगा और पूरे दिन ठंडक रहेगी। और अभी तो गर्मी का मौसम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस बार तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आप बना के जैसे रात को रख देते हैं और सुबह से पीते हैं, तो आप ज़रूर बना के रखें। और हरियाणा में इसे घाट की छाछ भी बोलते हैं, घाट की राबड़ी भी बोलते हैं, तो सब क्या अलग अलग टाइप से बोलते हैं। तो बस इसमें बॉयल आ गया है, आप देख सकते हो उस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालें। और मुझे थोड़ी थिक तो ये अभी से लग रही है, तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी इसमें, 1 कप के करीब पानी डाल देती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, और इसे हम धीमी गैस पे पकाएंगे। वैसे तो ये जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लगता, और धीमी गैस पे मैं अब इसे रख देती हूँ, बीच बीच में चलाती रहूंगी। तो बस इसे 10 मिनट हो गए रखे हुए धीमी गैस पे, और खोल के देख लेते हैं तो ये बन चुकी है। और अभी ये इस टाइप से है, जैसे ये ठंडी होगी ना, तो ये गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो बस इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं अभी। तो बस ये ठंडी हो गई है। वैसे तो क्या करते हैं, इसे रात को बना के रखते हैं और सुबह खाते हैं, मैंने दिन में ही बनाई थी तो ठंडी कर ली है। और ये देखिए गाढ़ी हो गई है, इसे चला लेते हैं एक बार, क्योंकि मलाई टाइप की पड़ गई है इस पर। अब क्या करेंगे, जैसे हमको जितनी बनानी है ना, उतनी ही लेनी है, जितने लोगों के लिए बनानी है आपको। तो जैसे मैंने 2 बड़े चम्मच भर के ले लिए हैं, और बाकी की उठा के रख देते हैं। ये लिए हमने छाछ, तो हम क्या करेंगे, इसमें छाछ मिलाएंगे। तो जैसे 2 गिलास बनानी है तो 2 गिलास छाछ मिला दीजिए आप, कम बनानी है तो कम। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ऐसे तो हमने इसमें नमक डाला था, पर थोड़ा सा और डाल देंगे, इससे कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे पतली पतली पीते हैं छाछ की तरह। थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ मैं, आप नमक स्वाद अनुसार ही डालें, पहले भी डाल लिया था हमने। और इसे क्या करते हैं, 2 तरह से पीते हैं, जैसे एक तो सिंपल ऐसे ही, और कई लोग इसे दूध के साथ भी खाते हैं, पी लेते हैं, जैसे दूध डाल के भी खाते हैं, वो फिर थोड़ी थिक रहती है दूध वाली। और कई लोग इसे स्टार्च से छाछ की तरह, ज़्यादातर लोग इसे छाछ की तरह ही लेते हैं।
तो इस टाइप से एक तो इस टाइप से देते हैं इसे, ठीक है। और एक क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा जीरा डालेंगे भुना, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक, फिर मिला लेंगे इसे। तो कई लोग इस टाइप से भी लेते हैं इसे, और मुझे मीठी पसंद है, मैं मीठा डाल के लेती हूँ, तो आप मीठा डाल के भी ले सकते हैं, मीठा डाल के कम लोग लेते हैं वैसे। तो बस ये बन के तैयार हो गई है, और आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें। आपने सब्सक्राइबर नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी आपको, और बना के ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है तो इस गर्मी में बहुत ठंडक पहुँचाती है। और आप बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करके, बेल आइकॉन दबाने से क्या होता है कि मेरी जो रेसिपी भेजूंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और मेरे को सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।